हैदराबाद की तरफ से मस्त पार्टी है इस दुकान पे। Hey guys, welcome back to my channel and I hope you are all doing good. तो यार आज है महाशिवरात्रि और आज 1 मार्च है। आज काफी अच्छा दिन था तो मैंने सोचा आज ब्लॉग की स्टार्ट की जाए। तो आज सबसे पहले तो सबको हर हर महादेव। और यार आज मुझे उठने में काफी लेट हो गया तो अभी फटाक से चलते हैं, अपनी मॉर्निंग डाइट पहले लेते हैं बिकॉज गोरखपुर आने के बाद मैंने जिम स्टार्ट कर दिया। दिल्ली में तो बिल्कुल भी जिम नहीं हो पा रहा था बिकॉज वहाँ टाइम ही नहीं मिल रहा था और वैसी डाइट भी नहीं थी कि जिम कर ही जाए। तो अभी घर आ गए हैं गाइस, अभी हम आराम से कर सकते हैं जिम। तो चलो पहले डाइट अच्छी लेते हैं और उसके बाद से दिन की अच्छी शुरुआत करते हैं। डाइट की सबसे पहले आज शुरुआत करते हैं एप्पल सीडर विनेगर से। और ये रहा मेरा एप्पल सीडर विनेगर, ये मामा अर्थ वाला इस्तेमाल कर रहा हूँ। एप्पल अरे वाओ का एप्पल सीडर विनेगर गाइस यूज कर रहा हूँ। तो अभी एप्पल सीडर विनेगर अपना निकालता हूँ। मैंने जोश जोश में यार उसमें ठंडा पानी मिक्स कर दिया, ये पानी तुरंत गर्म करते हैं, उसके बाद से फिर से एक बनाना पड़ेगा। एप्पल सीडर विनेगर खत्म करके एंड आज के दिन की शुरुआत करते हैं। वैसे नाश्ता भी अभी करूंगा बिकॉज ओटमील लेनी बहुत ही जरूरी है। बॉडी बिल्कुल भी मेरी गल चुकी है आप देख सकते हो। और अभी यार जिम करते करते मुझे 4-5 दिन हुए हैं, एक हफ्ता हो गया। और आज हमारा बैक एंड बाइसेप्स का वर्कआउट है तो हमें चलते चलते शाम हो जाएगी बिकॉज आज दिन में काफ़ी सारे काम हैं। और चल के शिव जी के दर्शन भी करने हैं तो दर्शन चल के शाम में करेंगे बिकॉज यार जहाँ पे मैं दर्शन करने जाऊँगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है, 1.5 किलोमीटर की भीड़ रहती है। इसलिए हमें जाने में काफ़ी ज़्यादा हमारा टाइम जाएगा, 2-3 घंटे लग जाएंगे। इसलिए सबसे अच्छा टाइम है गाइज रात में दर्शन करना। हर बार मैं रात ही में करता हूँ, रात में खाली हो जाता है मंदिर। तो रात में आप सभी को चल के दिखाऊंगा कैसा माहौल रहता है वहाँ। दिन भर तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है, अगर उस रास्ते से दिन में गुजरूंगा तो आप सभी को जरूर वो रास्ता एक बार दिखा दूंगा। हे गाइस, एप्पल सीडर विनेगर मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है एंड मैं डाइट के लिए भी कल गया था एंड मैंने परचेस करके लाया अपना क्वाकर ओट्स, बड़ा वाला ले लिया बिकॉज गाइस काफ़ी अच्छे से इस बार डाइट हमें कंप्लीट करनी है। और दिल्ली में था गाइस तो मेरे हेयर फॉल भी काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे तो एक प्रोडक्ट और मैं अभी यूज़ करना शुरू किया हूँ, ये सुपरफिट का बायोटीन। और इससे थोड़ा बहुत असर तो दिख रहा है एंड घर आने के बाद थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है बिकॉज घर आने के बाद मेरी डाइट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है और यहाँ का पानी भी कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छा है तो इसलिए थोड़ा बहुत यहाँ पे अब बाल रिटेन होने शुरू हुए हैं, वरना दिल्ली में तो काफ़ी ज़्यादा हेयर लॉस हो गया था। तो अपना ओट मील तैयार करते हैं और इसमें सब कुछ निकालते हैं सारे इन्ग्रीडियंट्स को। तो अभी यार मेरे पास कुछ और था नहीं वेट मेजर करने के लिए तो मैंने स्कूप ले लिया अपने प्रोटीन का एंड इसमें से हम लेंगे ये हो गया 30 ग्राम्स एंड थोड़ा सा और ये ऑलमोस्ट 50 ग्राम्स हो गए। हमारी ओट मिल तैयार हो गई है और ये कुछ इस तरीके की दिख रही है, दिखेगा नहीं आप सभी को, इसमें से दिखाता हूँ इस तरीके की, देखो दिख रही है, आई थिंक आप सभी को दिख गया होगा। और नहीं भी दिखा होगा तो क्या करना है, खाना तो मुझे है। और अभी ज़्यादा टेस्टी नहीं लगेगा ये बिकॉज इसमें यार मैंने मैंगो वाला प्रोटीन डाला है और मैंगो फ्लेवर यार मुझे मसल ब्लेस का सच बताऊँ तो नहीं पसंद आ रहा है। और रिच मिल्क चॉकलेट एंड आइसक्रीम चॉकलेट ये 2 मेरे फेवरेट्स फ्लेवर हैं तो नेक्स्ट टाइम तो मैं आइसक्रीम चॉकलेट लेने वाला हूँ बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। और अभी यार मुझे काफ़ी सारे काम है सिटी में तो मैंने रॉबर्ट को फ़ोन करा और उसे बताया नहीं है कि मैं आज व्लॉग बना रहा हूँ तो वो फटाक से तैयार हो गया कि चलते हैं काम करके आते हैं बिकॉज मैंने उसे खाने का थोड़ा सा लालच दिया। और चलेंगे बाहर खाएंगे भी, सारा काम भी निपटाएंगे और मैं अपना मोटो व्लॉगिंग कैमरा चार्जिंग पे लगाया हूँ बिकॉज वही लेके निकलूंगा यार, काफ़ी छोटे छोटे काम है तो हर बार ये कैमरा नहीं निकाल पाऊंगा। और रॉबर्ट को बताया नहीं हूँ तो उसका इनिशियल रिएक्शन रिकॉर्ड करेंगे बिकॉज इरिटेट होगा ऑब्वियसली कैमरा देख के। तो हम अब मील अपनी ख़त्म करते हैं, फिर नहाते हैं, फिर थोड़ा बहुत पूजा करके उसके बाद से निकलते हैं। अभी तुरंत नहा के निकला और पूजा वूजा मैंने कर लिया और ड्रेस भी मैंने पहन लिया, अब मेरा टाइम हो गया निकलने का बिकॉज काफ़ी सारे काम करने हैं। और रॉबर्ट भी काफ़ी देर से इंतजार कर रहा है, 1/2 घंटे का टाइम दिया था, अभी 2 घंटे हो चुके हैं तो चलते हैं जल्दी से। ये मेरी पूजा भी कंप्लीट हो चुकी है मंदिर पे, फटाक से पहुंचते हैं रॉबर्ट के घर। वाइजर बंद कर लिया मैंने और बहुत दिन बाद गाइस
मोटो ब्लॉगिंग सेटअप अपना तैयार करा और आई होप कैमरा एंगल अच्छा होगा, और नहीं होगा तो नेक्स्ट टाइम मैं ठीक कर लूँगा इसे पक्का। ये देखो गाइस, भाई मैं बोल रहा था ना कि किसी ना किसी पार्टी की रैली मिलेगी, और ये देखो मिल गई। ये है कांग्रेस की रैली, वाओ। अब ये देखो पीछे पूरा ट्रैफिक जैम इन रैलियों के वजह से। चलो, काफ़ी छोटी रैली थी वैसे, कब ख़त्म हो गई पता नहीं चला। बच्चों के लिए कितना एक्साइटिंग हो रहा है, क्या लगा है इसके चेहरे पे, देख रहे हो गाइस। आई होप आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। क्या सर? क्यों इतना लेट हो गया तुमको? क्यों इतना लेट हो गया? अब कैसे इतना लेट हो गया? देख रहे हैं भैया, मेरे पास टाइम निकल जाओ, कहाँ जा रहे हो? बताए तो हैं कहाँ जा रहे हैं। वहाँ चलेंगे, तभी चलेंगे। कहाँ? चलो KFC भी चल चलना। खिलाओगे ना? चल बोले हो, खिलाने नहीं बोले हो, बैठ। हाँ बैठ बैठ बैठ, हाँ हाँ बैठ ना। माँ कसम खा लो, माँ कसम तुम खा लो कि तुम खाओगे। माँ कसम तुम सेवा पहले खिलाओ। हाँ ठीक है बैठ। अच्छा तो हाँ, शिवरात्रि है साले, ये शिवरात्रि के दिन मांसाहार खा रहा है गाइस। इसको चेहरा देखिए दरिंदे का साले का। आओ बैठिए। हाँ बैठो बैठो बैठो, पक्का वेज? पक्का। हाँ वेज पक्का। हाँ वेज वेज पक्का। चलो शहर में बस यही एक काम था और वो हो गया। अब हम लोग चलते हैं फटाक से अपना लोकल काम निपटाने। बैठ। कहा है भैया? 290। सा मटर भैया दो जगह। कैमरा बाहर कहीं गायब नहीं ना हो गया बीच में से। आज रॉबर्ट की तरफ से मस्त पार्टी है इस दुकान पे। बहुत अच्छा लड़का है गाइस रॉबर्ट, समय समय पार्टी देता रहता है। ये देखिए गाइस, मस्त प्याज गया, ये पापड़ी आ गई, ये देखिए जवाब हैंग्रेड, ये देखिए गाइस, ये है भीड़ जिस मंदिर की मैं बात कर रहा था आप सभी से जब घर से निकला था, वो इसी मंदिर का बात कर रहा था। और देखते हैं हमारी गाड़ी वहां तक जा पाती है कि नहीं, अगर नहीं जाएगी तो रात में आके दर्शन करेंगे, और अगर चली जाती है तब तो वेल एंड गुड। ये देखो सब सिर्फ भीड़ का मजा लो, वाओ व्हाट अ भीड़। ये देखिए मस्त पार्टी हो रही है। मस्त मस्त है ना? हाँ घर से आपका मस्त है। चल आगे एक नंबर गाइस, ये देखिए आप सब। हाँ घुमा लो यार, गजब का गाइस, पूरा पार्टी का मन हो गया है। चला जाए, चलिए गाइस पार्टी कैंसिल। तो गाइस फाइनली सब काम करके आ गए, और अब रॉबर्ट को करते हैं बाय। और हमें रणवीर भी आ गए हमारा स्वागत करने के लिए, आ गए रणवीर। और अब इन सबको बाय करके और चलते हैं घर के लिए। तुम भी फीचर हो रहे हो मेरे वीडियो में, कम ऑन, ठीक है ना? 10 सब्सक्राइबर तेरे जिम्मे, ठीक है? चल भाई, चलो फिर अभिषेक, बाय 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 बाय। आ चुका हूँ फाइनली जिम में, और जिम आज बिल्कुल भी खाली है बिकॉज शिवरात्रि है। तो शिवरात्रि की वजह से कोई भी लड़के आए नहीं है, मुश्किल से 2-3 लोग, अभी हम लोग 3 ही लोग हैं सिर्फ जिम में, और कोई भी नहीं है। 10-15 लोग आज सुबह से आए, हम भी अपना वर्कआउट जल्दी से कंप्लीट करते हैं और निकलते हैं बिकॉज अभी टाइम हो चुका है, 8 बज गया है
और जिम से निकल के डायरेक्ट चलेंगे मंदिर दर्शन करके फिर डायरेक्ट घर पे पहुंचेंगे। तो यही कुछ प्लान रहने वाला है आज। बैक एंड बाइसेप्स वर्कआउट स्टार्ट करने वाले हैं, राहुल इधर वार्म अप कर भी रहा है। फाइनली जिम करके अभी ख़त्म हुआ और हालत एकदम ही ख़राब हो चुकी है, पूरा पसीना पसीना हो चुका हूँ और जिम भी पूरा ही खाली हो चुका है, कोई नहीं है जिम में। अब सिर्फ मैं और राहुल हैं इस जिम में एंड सभी लोग जा चुके हैं और हमारा भी निकलने का टाइम हो गया बिकॉज़ 9:15 होने को आ रहा है और अभी घर भी चलना है, चेंज करना है, नहाना धोना है, उसके बाद से फिर मंदिर चलना है, दर्शन करना है, फिर जब दर्शन करके आऊँगा तो खाना खा के उसके बाद से मतलब डे एंड होगा मेरा। पर यार बॉडी एकदम ही एग्जॉस्ट हो चुकी है, आज मेरा बैक एंड बाइसेप्स वर्कआउट था, आप देख सकते हो अभी थोड़ा पंप है तो सही लग रहा है। अब धीरे धीरे अपनी डाइट सही करेंगे तो और रिकवरी होगा, बाकी निकलते हैं अब। भैया को भी जिम बंद करना है, इंतज़ार करना है मेरा। भाई मैंने सोचा था इस टाइम भीड़ नहीं मिलेगी बट इस टाइम भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और अभी हमने यहाँ पर ले लिया चढ़ाने के लिए। अभी पानी से हाथ पाँव धो के उसके बाद से चलते हैं, दर्शन करते हैं अच्छे से। और अभी भीड़ इधर देख लो, बहुत ही ज़्यादा अभी भी भीड़ है और हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, बस जल चढ़ाने को मिलेगा, फ़ोटो वोटो नहीं क्लिक कर सकते हैं और बैठ भी नहीं सकते हैं। तो फटाक से हाथ पाँव धोते हैं, जल चढ़ाते हैं और घर को निकलते हैं। पूजा करके हो गया और हमने चंदन भी लगवा लिया, पूजा भी कर ली बहुत अच्छे से और नाग देवता को धारण भी किया था थोड़ी देर के लिए और शनि भगवान के दर्शन कर लिए। पीछे शनि भगवान का मंदिर है एंड अभी कुछ नहीं, अभी बस निकलते हैं घर पे, रॉबर्ट को ड्रॉप करते हैं और बस आज का दिन बहुत सही रहा।